दोस्तों बेल एक ऐसा पेड़ है जिसके हर हिस्से का इस्तेमाल सेहत बनाने और सौंदर्य निखारने के लिए किया जा सकता है। आयुर्वेद में इसके कई फायदों का उल्लेख मिलता है। इसका फल बेहद कठोर होता है लेकिन अंदर का हिस्सा मुलायम गुदेदार और बीजों से युक्त होता है। बेल के फल का जीवन काल काफ़ी लंबा होता है। पेड़ से टूटने के कई दिनों बाद भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बेल का इस्तेमाल कई तरह की दवाइयों को बनाने में तो किया जाता ही है, साथ ही ये कई स्वादिष्ट व्यंजनों में भी प्रमुखता से इस्तेमाल होता है। बेल में प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, थायमीन, राइबोफ्लोविन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आइए जानते हैं बेल का रस पीने के फायदों के बारे में, दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव में सहायक। दोस्तों बेल का रस तैयार कर लीजिए और उसमें कुछ कुछ बूंदे घी की मिला दीजिए। इस पेय को हर रोज एक निश्चित मात्रा में लें। इसके नियमित सेवन से दिल से जुड़ी बीमारियों से बचाव होता है। ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। गैस कब्ज की समस्या में राहत। नियमित रूप से बेल का रस पीने से गैस कब्ज और अपच की समस्या में आराम मिलता है। कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित रखने में मददगार। बेल का रस कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मददगार होता है। दस्त और डायरे की समस्या में भी फायदेमंद। आयुर्वेद में बेल के रस को दस्त और डायरिया में बहुत फायदेमंद माना गया है। आप चाहें तो इसे गुड़ या चीनी के साथ मिलाकर भी पी सकते हैं। ठंडक देने का काम करता है। बेल के रस को शहद के साथ मिलाकर पीने से एसिडिटी में राहत मिलती है। अगर आपको मुंह के छाले हो गए हैं तो भी इसका सेवन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। गर्मी के लिहाज से एक यह बेहतरीन पेय है। एक ओर जहां लू से सुरक्षित रखने में मददगार होता है, वहीं शरीर को अंदर से ठंडक देने का काम करता है। नई माओ के लिए भी फायदेमंद। अगर आप एक नई माँ हैं तो आपके लिए बेल का रस पीना बहुत फायदेमंद रहेगा। ये माँ के स्वास्थ्य को बेहतर करने में तो सहायक है, साथ ही ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। कैंसर से बचाव के लिए नियमित रूप से बेल का रस पीने से ब्रेस्ट कैंसर होने की आशंका काफ़ी कम हो जाती है। खून साफ करने में सहायक। दोस्तों बेल के रस में कुछ मात्रा गुनगुने पानी की मिला लें। इसमें थोड़ी सी मात्रा में शहद डालें। इससे पेय के नियमित सेवन से खून साफ हो जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।